जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो वेल एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके लिए आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो जनरल नॉलेज का ये क्वेश्चन है, ठीक है, प्री एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लेके आए आज, ठीक है। तो जो नए स्टूडेंट है जो पहली बार ये एग्ज़ाम देंगे वो आप देख लीजिएगा कि इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपको आता है और जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन था, डेरा सुजानपुर को राजधानी के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे है? तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, ठीक है। तो जो आपका एग्ज़ाम हो चुका है 2016 में और या इससे पहले जो एग्ज़ाम आपके हुए थे उनमें से जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए थे वही क्वेश्चन हम आज आपको बताएंगे। डेरा सुजानपुर को राजधानी के रूप में विकसित करने का श्रेय जो है संसार चंद को दिए जाते कुटोचवंश के थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कांगड़ा के ब्राह्मण समुदाय में प्रचलित सरा देना प्रथा से अभिप्राय है, तो ये आपको बताना था। इसका जो सही आंसर है वो है, आपको बताना था, अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर था वो था हलवा की बेटी का नगरकोटी परिवार में ब्याह, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भोजकी अभिधान से कौन जाने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और आपको इसका जवाब देना था, ठीक है, आंसर आपको देना था। ये क्वेश्चन क्योंकि HPPSC का ओल्ड है तो आप ये मान के चलिए कि जो आपके एग्ज़ाम अब आने वाले उनमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो भोजकी अभिधान से कौन जाने जाते हैं, तो अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, हमें बताइएगा, उसके बाद आगे देखिएगा। अगर नहीं आता है तो इसका जो सही आंसर था वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो बी आपकी स्क्रीन पर है, ज्वाला जी और नैना देवी मंदिरों के पुजारी, ठीक है। और आपकी स्क्रीन पर जो आई बटन ऊपर आ रहा है इसमें प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जितने भी हम आपको क्वेश्चन पेपर चैनल के जरिए बता चुके हैं वो आप देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बाबूजी पंडवानी और भटाक्षे किस चीज़ के द्योतक है, ये आपको बताना था। तो इसका जो सही आंसर था वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये भित्ति चित्र बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस मुद्दे पर राजा अनिरुद्ध चंद ने महाराजा रणजीत सिंह के समक्ष झुकने के बजाय अपनी राजगद्दी का त्याग करने की ठान ली थी? अच्छा, महाराजा रणजीत या अनिरुद्ध चंद के बारे में इसमें क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, अनिरुद्ध चंद तो ये किसके पुत्र थी आपको पता होना चाहिए, संसार चंद जिन्होंने सुजानपुर को विकसित किया था, ठीक है, और जो कांगड़ा या दिग्गत के जो राजा थे, ठीक है, पहले इससे पहले, तो उनके द्वारा उनके ये पुत्र थे, ठीक है, राजा अनिरुद्ध चंद के ये पुत्र थे संसार चंद के, ठीक है। अब हुआ क्या कि इन्होंने मियाँ ध्यानचंद से अपने परिवार की जो कई क्वेश्चन पेपर मैंने देख के और पढ़ा है उसमें इनको बेटी बताया, ठीक है, तो बेटी का विवाह करना नामंजूर कर दिया था और उन्होंने राजगद्दी को त्यागने का निर्णय ले लिया था इसका। अब इसमें बहन बताया तो आप बहन मान के चलिएगा इसको, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन था वो आपसे पूछा गया था, एकमात्र वे राजवंश जिसका तद्भव हिमाचल प्रदेश में हुआ जिसके अस्तित्व का विरजन से कोई लेना देना नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जवाब जो आपको देना था, क्वेश्चन को आप एक बार पढ़िएगा, वे राजवंश जिसका उद्भव हिमाचल प्रदेश में हुआ जिसके अस्तित्व का विरजन से कोई लेना देना नहीं था, तो ये जो इसका सही आंसर था वो आपको बताना था। इसका जो सही आंसर है वो है कटोच, ठीक है, ये कटोच जो है हिमाचल प्रदेश में ही हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मुखिया वजीर महार नामक के नृत्य की उपजाति कौन से क्षेत्र में आबाद है, आपको इसमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सही इसमें आंसर देना था और इसका जो सही आंसर था वो आपको देना था, तो जो शिमला जिला ये बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कांगड़ा क्षेत्र के खेरत कौन है, क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका जवाब आपको देना था, कांगड़ा के घेरत कौन है, ठीक है, ये आपको बताना था। आपकी स्क्रीन पर आपके ऑप्शन आ रहे थे, अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल ये कृषक सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जनक या पिता श्री जो जयपुर रियासत में एक प्रतिष्ठित पद पर आसीन थे, ठीक है, वे पद कौन सा था। अब जो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी है ये, ठीक है, इनके फादर के बारे में पूछा है, वो जयपुर राजस्थान की एक जयपुर रियासत थी, ठीक है, उसमें ये बड़े एक अच्छी पोस्ट पर थे, पोस्टर थे, ठीक है, वो पोस्ट बतानी थी आपको कि कौन सी पोस्ट पर थे वो।
तो इसका आंसर आपको बताना था। अगर आपको आता है तो कमेंट करेगा, नहीं आता है तो सुनिएगा। इसका जो आंसर है वो है महाराजा कॉलेज में ये प्रिंसिपल थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि भेंट और भांगड़ा लोकगीत की श्रेणी के, क्वेश्चन नंबर 10, और इसका आपको जवाब देना था। तो इसका जो सही आंसर था वो आपको बताना था। धार्मिक, चरवा या विवाह या दुग्ध वाला, किस कैटेगरी का ये गीत है और इसकी कौन सी कैटेगरी है, ठीक है। भेंट और भांगड़ा लोकगीत है ये, तो आपको पता लग गया होगा, पर ये है किस कैटेगरी के इनमें से, ठीक है। तो ये बताना था आपको किस कैटेगरी के ये गीत है। अगर आपको आता है तो कमेंट में आप बता सकते हैं हमें। तो ये धार्मिक गीत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे चुंडामंड और पंगवंड प्रथाओं का संबंध है, ये चुंडामंड और पंगवंड प्रथाओं का संबंध है, तो ये पैतृक संपत्ति के बंटवारे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कमला रानी और रोशन देवी ने किस क्षेत्र में अपना नाम कमाया है, ठीक है, किस क्षेत्र में ये नाम कमाया है। तो कमला रानी, रोशनी देवी, और इसमें पूछा था कौन से इसमें प्रोफेशन में इन्होंने अपना नाम रोशन किया, ठीक है। तो लोकगीत जो है इसमें इन्होंने अपना नाम रोशन किया, ठीक है, या नाम कमाया है। अगला क्वेश्चन था हिमाचल प्रदेश के किस जिले में राज्य का प्रथम संगीत स्टूडियो साउंड ऑफ माउंटेन्स के नाम से 1986 में था स्थापित हुआ था, ये आपको बताना था, क्वेश्चन नंबर 13, और इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना था। मंडी, कांगड़ा, शिमला, हमीरपुर, तो मंडी जो है इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। मंडी में ये साउंड ऑफ माउंटेन्स 1986 में स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किन्नौरी लोकगीत, ठीक है, किन्नौर का ये लोकगीत है टिप्सी बांटनी, इसका जो टाइटल है वो क्या है, विषय वस्तु पूछी उसमें क्वेश्चन नंबर 14 का। तो इसमें टिप्सी बांटनी का जो टाइटल है वो क्या है वो आपको बताना, तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पर है, अगर आपको आता है तो आप बताइएगा। और अगर आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर चाहिए हल करके, अगर आप चाहते कि आपको हम हल करके दें, तो आप बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पर। आपको डेली इसी टाइम आपको ये करंट अफेयर की और हिमाचल जीके की, आपके जिस भी स्टेट के आपको एसएससी की अगर तैयारी करनी, तो जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है हम उसकी उस पर चर्चा करेंगे और हल करके आपको देंगे, ठीक है। तो इसका जो ये बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किस साहित्य कृति के लिए डॉक्टर सुशील कुमार पुल को हिमाचल प्रदेश के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया गया था, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15वां क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन में समझिएगा आप, ये साहित्य कृति के लिए डॉक्टर सुशील कुमार पुल को हिमाचल का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान प्रदान किया गया था इनको, इनकी एक कृति थी ये, ठीक है, जिसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया था, तो वो थी हारे हुए लोग, ठीक है, ये बिल्कुल सही है इसका, इसके लिए इन्हें साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। अच्छा, ये बोन सम्मानी समुंदर शीर्षक से प्रकाशित हुआ है, तो किस इतिहासकार की है ये, ठीक है, इस टाइटल से प्रकाशित हुआ था बोन सम्मानी समुंदर, और ये किसकी है, प्रेम पकरौल भी की, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे दर्द मोटवी नाम से कौन से साहित्यकार जाने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 था, और इसका आपको आंसर बताना था। दर्द मोटवी के नाम से कौन जाने जाते हैं, और दर्द मोटवी के नाम से जाने जाते हैं देशराज डोगरा, ये बिल्कुल सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की शिमला से घनिष्ठ संबंध है, तो ये क्यों है घनिष्ठ संबंध, क्या किया था इन्होंने शिमला में ऐसा जो घनिष्ठ संबंध है, तो वो जो बी है इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको आया था कि किसने किन्नौर की हृदयस्थली में हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम को वृक्ष काटने के लिए विरत रहने का आदेश दिया था, ठीक है, इसको मना कर दिया था हिमाचल प्रदेश की ऊर्जा निगम जो कि आप वृक्ष नहीं काट सकते, किसने किया था। अगर मैं होता तो कन्फ्यूज एग्जाम में इसी इन्हीं पर होता तो क्वेश्चन जो है या ये भी आ सकता था, ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट, एनजीटी या फिर ये पर्यावरण मंत्रालय, तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है एनजीटी, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये बिल्कुल सही है। इसको समझने के लिए एनजीटी जो है संबित पात्रा जो बीजेपी के उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था,
जिसको लेकर बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन था, रियासती युग में चंबा कलेंजर का सिरिग्नेस होता था, ये आपको बताना था और किस प्रकार से होता था। तो चंबा की जो मेंजर है इससे बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है ये। ठीक है, राजा द्वारा रघुवीर और लक्ष्मण मंदिर द्वारा समर्पण के द्वारा, ठीक है, या चढ़ावे के द्वारा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा दर्रा लाहौल क्षेत्र को चंबा जिले के भरमौर इलाके से जोड़ता है, ये आपको बताना था। चंबा और भरमौर के बीच ऐसी कौन सा स्थान है जो इनको भरमौर को आपस में जोड़ देते हैं, तो ये है कुगती। ठीक है, अगर आप मणिमहेश गए हैं तो आपने देखा होगा, कार्तिक स्वामी नाम सुना होगा, मंदिर है, ठीक है, वहाँ पर ये कुगती, ठीक है, कुगती में या कहीं है ये मंदिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लाहौल घाटी का प्रमुख पारस्परिक व्यंजन थुप्पा विशेष कर किस समय बनाया जाता है, ठीक है, ये आपको बताना था। थुप्पा कब बनाया जाता है, आप में से बहुत से लोगों ने खाया भी होगा, ठीक है, और ये आपको बताना था कि कौन सी ऋतु में ये बनाया जाता है। ठीक है, जो ये शीतकाल में, बसंत ऋतु में, विवाह के अवसर पर, या ग्रीष्म काल में, गर्मियों में, सर्दियों में, बसंत में, या विवाह के अवसर पर, ये आपको बताना था। तो इसका जो ए है बिल्कुल सही है। ठीक है, सर्दियों में ये ज़्यादातर बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस मंदिर का कारधार या प्रबंधक ठाकुर या पुजारी लामा होता है, तो ये आपको बताना था, क्वेश्चन नंबर 23, और इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, अगर नहीं पता तो आप देखिएगा, उसके बाद खुद से कुछ ऐसी ट्रिक बनाइएगा जिससे जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं वो आपके माइंड में सेट हो सके और कभी आप उनको भूल ना पाओ। तो किस मंदिर का कारधार या ठाकुर या पुजारी लामा होता है, तो ये त्रिलोकीनाथ जो मंदिर है ये इसका सही आंसर है। ठीक है, और त्रिलोकीनाथ मंदिर कहाँ है ये अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो लाइक करने के आपके पैसे नहीं लगते, ठीक है, ना आपके डाटा यूज होता है इतना। अगला क्वेश्चन था, किस रियासत का समृद्धि और खुशहाली के लिए गुरु गोविंद सिंह ने 18 दिनों तक कीर्तन किया था, ठीक है, ये आपको बताना था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है, 18 दिनों तक कीर्तन किया। कीर्तन क्या होता है गुरुद्वारा के, अगर आपको पता होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 था, इसका आंसर बताना था, अगर आपको आता है तो बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मंडी के लिए इन्होंने ये 18 दिन तक कीर्तन किया था। अगला क्वेश्चन था, सोलन जिले का सार्वजनिक लोकप्रिय जोहड़वी मेला किससे संबंधित है, ठीक है, किसका संबंध है इससे, तो इसका आपको आंसर बताना था, गुरु हरगोबिंद अमरदास अंगद नानक, ये आपको बताना था। तो क्या लगता है आपको आता है, अगर आप तो कमेंट बॉक्स में से बता सकते हैं। तो इसका जो सी है गुरु नानक देव, बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, शिमला समझौते जो घोषणा पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या कदम उठाया गया, तो ये आपको बताना था। 26 क्वेश्चन है, तो इसके जो ये हुआ था, ठीक है, अफगान के विरुद्ध उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस रियासत का शासक देवदार की पत्ती और घास में बर्फ की पैकिंग करके उसे मुगल शहजादी जहांआरा की मदरा को शीतल करने के लिए भेजता था, ठीक है, ये आपको बताना था। आप जो देवदार की पत्तियाँ, ठीक है, और बर्फ, घास में बर्फ, उस टाइम क्योंकि फ्रिज वगैरह और ऐसा कोई पॉलीथीन वगैरह होते नहीं थे, ठीक है, पॉलीथीन के जो भी बैग होते या जो भी थैले वगैरह वो उस टाइम होते नहीं थे, ठीक है, और क्या होता था उस टाइम, देवदार आपको पता होगा, देवदार का क्या महत्व है हिमाचल में, देवदार के जो पेड़ है काटने तक बैन है उनको, ठीक है, तो उसकी जो पत्तियाँ होती है, ठीक है, उन उसमें ये घास की पैकिंग करके मुगल जो ये मुगल साम्राज्य की एक राजकुमारी टाइप मान सकते हैं आप उनको, जहाँआरा थी, इनकी जो शराब होती थी, ठीक है, इसको ठंडा करने के लिए भेजते थे। अब रियासत का शासक था तो कौन सी रियासत थी, सुकेत, सिरमौर, चंबा, मंडी, ये आपको पता हुआ तो अगर बताइए, अगर नहीं पता तो आप वेट करिएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिरमौर, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, मैंने पहले भी आपको बताया था जो पिछली वीडियो थी इसमें, किस एकमात्र पहाड़ी शासक ने 1857 की ईस्वी की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सरकार को सैन्य वित्तीय सहायता नहीं दी थी, ये आपको बताना था, और इसका आंसर अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को रोक लीजिएगा, ठीक है, अगर वीडियो आपने नहीं रोकी तो फिर आपको
टाइम करने का इसको मौका नहीं मिलेगा, तो इसका जो सही है वो आपको बताना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोसर का शासकीय, ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन था, भारत ब्रिटिश राज्य की राजधानी के रूप में किसने निर्दिष्ट किया था, ठीक है, ये आपको बताना था। कल जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें ये पूछा था कि कब इसको भारत की राजधानी शिमला को बनाया गया था। आज इस क्वेश्चन में पूछा गया कि ये जो ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में इसको किसने निर्दिष्ट किया था, ये आपको आज बताना है। तो इसका जो सर जॉन लॉरेंस, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और 1864 में इसको 1864 में निर्दिष्ट किया था, ठीक है, बदला था, गर्मियों की राजधानी इसको बनाया गया था। और अगला जो क्वेश्चन है सेम इसी से है, ठीक है, राजधानी को बदल दिया, ठीक है, शिमला कर दिया, और उसके बाद एक खुश हो गया बंदा गवर्नर, और उसने ये बर्ड कहे थे, ये भारत में एक यात्रा ऐसी जगह है जहाँ एक वायसराय स्वयं को दफ्तरी काम से मुक्त रख सकता है, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था तो लॉर्ड डलहौजी का नाम आ गया था मेरे उसमें, ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ने ये बोला था, ठीक है, तो कर्जन ने ये बोला था कि ये सब शिमला में और ऐसी भारत में इकलौती ऐसी जगह है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस देश के राष्ट्रगान को उसकी पुरुषाभिमुख अभिनीति के निकारण हेतु हाल ही में महान पुत्रों के साथ महान पुत्रियों सब जोड़कर संशोधित किया गया, अब ये आपको बताना था, ठीक है, उस टाइम के ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन रिपीट हो सकता है कि किसने अपने जो संविधान या राष्ट्रगान है उसमें संशोधन किया है, ये आपको बताना था। तो इसका जो ऑस्ट्रिया है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑस्ट्रिया का आपने नाम सुना होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आर्टिकल 35 जो है जम्मू कश्मीर विधानसभा का, उस पर हम आपको जानकारी पहले दे चुके हैं, उस पर मैंने आपको बताया था। और साथ में जो यूएनओ के लिए हमने आपको बताया था कि इसमें जो ऑस्ट्रिया हंगरी है, ठीक है, इन्होंने वर्ल्ड वॉर में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, या ये मान सकते हैं आपकी इन्हीं के कारण ये इसकी वर्ल्ड वॉर जो विश्व युद्ध हुए थे वो शुरुआत इनकी हुई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आगामी नोबेल पुरस्कार हेतु मौलाना यूसुफजई के नाम की स्तुति किसने भेजी है, तो ये आपको बताना था। और इसका जो है एलिजीना जोली, ठीक है, एंजेलिना जोली, बिल्कुल सही होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मानव मस्तिष्क के आकार में प्रभूत वृद्धि का कारण हाल ही में प्रकाशित दो लातिनी अफ्रीकी शोधकर्ताओं महिलाओं के शोध पत्र के अनुसार मनुष्य द्वारा पकाया गया भोजन ग्रहण करना, ये शोध प्रक्रिया किस देश की है, ये आपको बताना था। बोलिविया, ब्राज़ील, वेनेजुएला, कोलंबिया, इनमें से क्या है, तो ये आपको बताना है। अगर आपको पता है, आपने दिया था पहले पेपर इसका, तो आपको पता होगा। तो इसका जो ब्राज़ील है ये बिल्कुल सही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन था आपके लिए कि हाल ही में एक भारतीय राज्य में भूमि अधिकारों के लिए किसानों के 60 वर्ष पुराने संघर्ष की सफल रणनीति तब हुई जब राज्य सरकार ने ब्रिटिश शासन द्वारा अधिकृत की गई 85,000 करोड़ एकड़ जमीन को वापस लौटाने पर सहमति जीत अपनी जाहिर की थी, ठीक है। वे राज्य कौन है, तो वो राज्य है महाराष्ट्र, ठीक है। इनके द्वारा ये 2015 का 16 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, तो आप ये मान के लिए कि 2012-13 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना था, हाल ही में दिवंगत अनुचित खगोल विज्ञानी पैट्रिक मूर को बीबीसी टेलीविजन पर एक कार्यक्रम निरंतर 50 वर्षों तक प्रस्तुत करने के लिए श्रेय प्राप्त है, ये उल्लेखनीय कार्यक्रम था, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 35 है और इसका आपको आंसर बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना था, ये देख लीजिएगा, पैट्रिक मूर जो, ठीक है, पैट्रिक मूर इनका नाम था, और बीबीसी टेलीविज़न पर निरंतर 50 वर्षों तक ये कार्यक्रम चलाया था, ठीक है। और इसके लिए कौन है, ये द स्काई एट नाइट, बिल्कुल सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक नवीन अनुवंशीय अध्ययन के अनुसार यूरोप के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय रोमानी का देशांतर 1500 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था, इसका प्रस्थान बिंदु था, ये आपको बताना था। अगर आपको आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर था वो आपको बताना था, पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका, भारत, अफगानिस्तान, तो इसका जो भारत है ये बिल्कुल सही था, ठीक है। क्वेश्चन आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा या न्यूज़ देखी होगी, उस टाइम मैंने देखा था खुद इसको, नेपाल में चल रहे वर्तमान राजनीतिक गतिरोध के मूल कारण क्या है, ठीक है, ये आपको उस टाइम पता होगा कि जो हम नेपाल की जो पॉलिटिक्स में चल रहा था, ठीक है, विरोध एक विपक्ष का, तो वो आपको बताना था, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन जो है इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है,
इसका जो सीए पर विपक्ष का प्रधानमंत्री बदलने पर जोर, ये बिल्कुल इसका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सीधे नकद हस्तांतरण योजना जनवरी 2013 के लिए किसके तहत भारत के 51 जिलों में से उस जिले को लागू होनी थी जो लगातार इसमें बताना था आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप एक बार फिर पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपको इसका आंसर नहीं आता है, ठीक है, तो ये आपको बताना था। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 38 है, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 2013 में ये भारत के 51 जो डिस्ट्रिक्ट थे उसमें से जिलों में लागू होनी थी ये जो स्कीम थी। ठीक है, नकद हस्तांतरण योजना। ठीक है, तो जो प्राय अकाल से पीड़ित क्षेत्र थे उनमें ये लागू होनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, लॉर्ड लेवसन रिपोर्ट आविष्कार करने के ब्रिटिश प्रधानमंत्री के निर्णय पर कहां वहां व्यापक पैमाने पर विरोध हुआ, इस रिपोर्ट के मुख्य सिफारिश क्या थी, ये आपको बताना था। तो इसके जो क्वेश्चन नंबर 39 है, इसका जो ए है बिल्कुल सही था। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्क्रीन शॉट अगर आप ले रहे तो नोट करते जाएगा इसको। ठीक है, सुन भी लिया करो। अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में नोबेल पुरस्कार बोधन को किस क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार विजेता ने एक बारमर्ची मानवीय स्पर्श इन शब्दों को प्रदान किया है, स्वीडन एकेडमी के महासचिव की पत्नी अभी 2 घंटे पूर्व ही केन्या कन्या की जननी बनी है, ये एक मनोहर कहानी का प्रारंभ है, ये आपको बताना था। तो इसका जो सही आंसर था वो आपको बताना था। ठीक है, तो इसका जो अगर राइट आंसर आपको पता है तो आप बताइएगा, अगर नहीं पता है तो इसका जो राइट आंसर है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सतेंद्र कुमार अन्य बनाम भारत के संघ मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले का क्या असर हुआ था, क्वेश्चन नंबर 41 है, तो इसका आपको बताना था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, राष्ट्रपति निवास में अवस्थित गिरजाघर मैं धार्मिक उत्सवों पर आयोजन नहीं किया जा सकता, ये आपको इसका क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पर्वतीय रेलों के संचालन के सभी क्षेत्रों में तकनीकी वाणिज्यिक सहयोग के लिए भारत रेल चुंगफाऊ रेलवे से सहयोग की संभावना तलाश रही है, चुंगफाऊ रेलवे किस देश का किस देश से संबंधित है, ये आपको बताना था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये जो चुंगफाऊ रेलवे है ये स्विट्जरलैंड का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि गवर्निंग गन वॉकिंग स्कीम को हाल ही में अफ्रीकी कांग्रेस या संघीय व्यवस्था के जो नेतृत्व साधना है, जिस प्रकार से भारत में लोकसभा, ठीक है, उग्र भर्सना के प्रचार या प्रहार झेलने पड़े हैं, इस योजना का संबंध क्या है, ये आपको बताना था, क्वेश्चन नंबर 43। तो इसका जो राइट आंसर था वो है ऑप्शन नंबर सी, ये नशीली दवाओं के मैक्सिकन गिरोह के लिए हथियारों की तस्करी करने वाले लोगों को अग्निशास्त्र की खरीदने की अनुमति की रणनीति। ठीक है, अब आगे आपके क्वेश्चन फिर से, 3 माह तक चलने वाले भव्यगला समारोह के दौरान हासिल किए जाने वाले 5 सदी पुराने चिपटू नाटकम के प्रस्तुतकरण को तैयारी किस राज्य में वैदिक स्तर पर चल रही। ठीक है, ये आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो कर्नाटक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो कोशिश करेंगे हम जितने भी क्वेश्चन आज हल कर सके, क्योंकि जो अगला पार्ट है उसमें हम कुछ और करेंगे फिर। ठीक है, अब आपको बताना था, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना जो है इसके अंतर्गत लाभान्वित होने के लिए जो फैमिली या जो लोग हैं उनके लिए मापदंड क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 45 है, इसका आपको बताना था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, 2 या 2 से अधिक जेब स्थाने नहीं हो एवं उम्र जो है 19 वर्ष से अधिक हो, ये बिल्कुल सही हो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, विश्व ऊर्जा क्षेत्र में पेट्रो केराइव की भूमिका क्या है। ठीक है, विश्व ऊर्जा क्षेत्र में पेट्रो केराइव की क्या भूमिका है, क्वेश्चन नंबर 46 इसका आपको बताना था। तो इसका जो बी है बिल्कुल सही है, एक ऊर्जा सहयोग समझौता जिसके अंतर्गत वेनेजुएला द्वारा ये 17 किस्त है लातिनी अमेरिका देशों को
रिवायती दरों पर कच्चे तेल की आपूर्ति करवाना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अंटार्कटिका का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, सबसे ठंडा इलाका है बर्ड का, ठीक है, या सबसे ठंडा स्थान है ये बर्ड का दुनिया का, ठीक है, अंटार्कटिका का, ठीक है, और बर्फ ही बर्फ होती है यहाँ पर, ठीक है। आपने टाइटैनिक मूवी देखी है तो उसमें आपको देखा होगा अंटार्कटिका के जैसे, उसमें बिल्कुल ठंड का पूरा उसमें बताया हुआ, ठीक है। अंटार्कटिका में बर्फ पर अभियान के लिए चयनित होने वाली एकमात्र एशियाई और एक दिन के लिए प्रथम नौसैनिक उड़ाका ऊर्जावान किशोरी छात्रा मालविका बाज किस राज्य से है, ये आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोवा से। ये जो मालविका बाज थी, ठीक है, ये गोवा की थी, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था ये मैंने आपको बताया, अंटार्कटिका जो सबसे ठंडा स्थान है इसका, ठीक है। आंग सान सू की को प्रदत्त नोबेल पुरस्कार इस अर्थ स्पष्ट बन गया कि उन्होंने क्या हुआ ऐसा। तो आपका जो राइट आंसर है इसका वो है पुरस्कार जीतने के 21 वर्ष बाद पश्चात उन्होंने इसे स्वयं ग्रहण किया, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि पहुंची नहीं थी टाइम से और इन्होंने फिर। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, टाइम मैगजीन की ऑल टाइम 100 1923 में निर्मित महानतम फिल्मों की सूची में अभी हाल ही में कौन सी हिंदी फिल्म को स्थान दिया गया, तो उस टाइम की हिंदी फिल्म आपको ये बतानी थी, ठीक है। टाइम मैगजीन में तो ये आवारा, जिसमें जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, ठीक है, और आप समझ सकते हैं कि कौन सी फिल्म चुनी है। अच्छा, तीर्थ यात्रियों के लिए सम्मुख दिए जाने वाले अपने साप्ताहिक वेटिकन उद्बोधन में पोप बेनेडिक्ट सोलबे द्वारा हाल ही में किस भाषा को सम्मानित किया गया, ये आपको बताना था, ठीक है। तो तीर्थ यात्रियों के लिए क्या किया था इन्होंने, तो ये अरबी जो भाषा है इसको इन्होंने सेलेक्ट किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, अल्पो उग्र राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहे किस एशियाई देश का सबसे बड़ा शहर है। इसके बाद हम जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अल्पो उग्र राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहे किस एशियाई देश का शहर है, ये आपको बताना था। तो इसका जो सीरिया है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अद्वैत दर्शन के संस्थापक आदि शंकराचार्य का जन्म कलाड़ी में हुआ, ये किस राज्य में, ये आपको बताना था क्वेश्चन नंबर 52 का। तो ये बिल्कुल केरला जो है, केरल, ये बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। श्रीलंका के इस समय दीवी निगुमा विधेयक पर जारी विवाद में चलते कार्यपालिका न्यायपालिका में गतिरोध के दौर से गुजरा है, विधेयक के अविधान का अर्थ क्या है, ठीक है, ये आपको बताना था क्वेश्चन नंबर 53। और इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना था जीवनोत्थान, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल इसका सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 54 था, किस भारतीय राज्य में बने मीनाक्षी समुदाय के लोग पिछले 7 वर्षों से इसराइल का प्रजनन कर रहे, ये आपको बताना था क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, सॉरी 54, ये आपको बताना था। 54 का राइट आंसर है मणिपुर, ठीक है, मणिपुर कहाँ है आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 2015 के लिए प्रस्तावित योजना को सुगम बनाने के लिए अफगान सरकार और तालिबान के बीच चल रही जनतेली वार्ताएँ कहाँ हो रही है, उस टाइम हो रही थी तो अब हो चुकी है, ठीक है। 55 का जो राइट आंसर था ये फ्रांस, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, ये फ्रांस में हो रही थी। पारसी पंचायत मुंबई ने मुंबई उच्च न्यायालय को सूचित किया कि केवल गरीब पारसी समुदाय को परिधान योजना के अंतर्गत बनी आवास योजना को अंतर्गत आवास प्राप्त करने के लिए हकदार है, पंचायत के अनुसार गरीब पारसी का बे है जिनकी मासिक आमदनी हो, क्वेश्चन नंबर 56 का आपने बताना था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 का आपने आंसर बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 90,000 रुपये प्रति महीना, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन था, सर्वोच्च न्यायालय के किस विद्युत विश्वित न्यायाधीश के योगदान का हाल ही में इन शब्दों में यह सुगान किया गया कि उनका विश्वास था कि कानून सबसे अंत में खड़े सबसे कमजोर और पराजित व्यक्ति के लिए बना है, वो ही उनका कार्यक्षेत्र था, क्वेश्चन नंबर 57 है और इसका आपको आंसर देना था। तो ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है न्यायमूर्ति बी आर कृष्ण अय्यर, ठीक है,
इनके द्वारा ये कहा गया था कौन सी लाइनें की गई थी। ठीक है, अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और आपको न्यायपालिका को कोई चैप्टर आता है, ठीक है, नए जो उसमें होगा, ठीक है, ऐड, तो उसमें ये लाइन आपको देखने को मिलेगी, तो आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारतीय समाज की पुरातन आध्यात्मिक धरोहर के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अधोलिखित साम्यवादी, ठीक है, साम्यवादी दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया था, क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, तो इसका जो डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इनका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, वे उद्देश्य जिसके संदर्भ में शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष दूत द्वारा ये घोषणा की गई कि अब से 10 नवंबर मलाला और एवं 22 मिलियन बालाओं को दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ये आपको बताना था। 59 जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका आपको आंसर देना था, क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, तो पाठशाला से वंचित संसार के सभी क्षेत्रों की लड़कियों को पढ़ाना, ठीक है, इसका टाइट जो मेन मकसद था, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मंगल से, अगर आपने मंगल का नहीं देखा है वो, तो आप उसको देख लीजिएगा, एक मिशन भेजा था क्यूरियोसिटी रोवर, ठीक है, तो मंगल ग्रह पर अपने प्रथम मिट्टी विश्लेषण को अंजाम देने वाला नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने लाल ग्रह पर ऐसे खनिज पाए जो किस प्रदेश की अष्टसम ज्वालामुखी मिट्टी के मिलते जुलते, ये आपको बताना था। तो ये है सारे जो इसका राइट आंसर है हवाई, ठीक है, हवाई कहाँ है ये, अमेरिका में, ठीक है, 50 बार आपको पता होगा, जिस प्रकार इंडिया में 29 स्टेट है और जो 7 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, 29 राज्य है भारत के, उसी प्रकार जो 50 राज्य है अमेरिका में, ठीक है, 50 स्टेट, और ये 50 में जो नंबर का ये स्टेट है हवाई, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुके एग्जाम। यहाँ क्या होता है कि ज्वालामुखी जो फटते हम टीवी पर देखते हैं, ठीक है, इंडिया में ऐसे इतना देखने को नहीं मिलता है, परंतु जो हवाई है यहाँ पर ये ज्वालामुखी फटते रहते हैं, ठीक है, और इसकी और मंगल की जो मिट्टी है उसकी मैच की हुई है, ठीक है, तो क्वेश्चन का बोलने का मतलब इनका यही है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था सन 1913 में स्थापित जिस विख्यात राष्ट्रवादी समाचार पत्र की मुख्य पृष्ठ के शीर्ष पर निम्नलिखित पंक्ति अंकित थी, जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान, बे नर नहीं नर पशु गिरा है और मृतक सम्मान है, ये आपको लाइन को समझिएगा, बहुत अच्छी लाइन है, ये आपको हम बताना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो है प्रताप बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आईटेक जो है या इनटेक जिसको कहा जाता है, ठीक है, आईटेक या इनटेक जिसको कहा जाता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई और इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, अब जो कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ, पहला कहाँ हुआ, बॉम्बे में हुआ था या जहाँ भी हुआ था, वो आपको कल मैंने बताया था। ठीक है, आज पूछा गया कि आईटेक या इनटेक के बारे में, ठीक है, तो कौन सा किसान संगठन किस पार्टी का है, ये आपको पता हो ना हो, परंतु ये आपको पता होना चाहिए उस संगठन की स्थापना कब हुई और किसने की, कहाँ उसका अधिवेशन हुआ, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, 1920 में इसकी लाला लजपत राय द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है किस घटना के फलस्वरूप ऑपरेशन ब्लैक टोरनेडो, ठीक है, टोरनेडो को अंजाम देना पड़ा था, ये आपको बताना था। क्वेश्चन को एक बार फिर समझिएगा आप, किस घटना के फलस्वरूप ऑपरेशन ब्लैक टोरनेडो को अंजाम देना पड़ा था, तो इसका जो राइट आंसर है मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 का जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अग्रणी नेता ने लाहौर में प्रकाशित होने वाली पत्रिका चट्टान के संपादन को दी गई भेंट वार्ता में अप्रैल 1947 में ये भविष्यवाणी की थी, यदि पाकिस्तान अस्तित्व में आता है तो उसे अत्यंत प्रारंभ से ही बहुत गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, ये एक कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने पहले इसकी घोषणा भविष्यवाणी या आकाशवाणी कर दी थी और सही हुई है, तो किसने कहा थी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गेटवे ऑफ इंडिया के निर्माण में व्यय हुई 21 लाख रुपए की धनराशि को
तकरीबन आधा हिस्सा एक ही परिवार द्वारा दिए गए दान से प्राप्त हुआ है, वे एक था। तो ये आपको बताना था 65 जो क्वेश्चन है इसका आपको आंसर बताना था, ठीक है। तो इसका जो यहूदी परिवार है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था सन 1984 के जो राइट सॉरी आम चुनाव हुए थे, ठीक है, पश्चिम बंगाल के किस संसदीय चुनाव क्षेत्र को महाकाव्य मार्ग चुनाव की संज्ञा दी गई थी। 1984 में जो जनरल इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, ठीक है, जिस प्रकार से 2019 के चुनाव आज हो रहे हैं, ठीक है, उसी प्रकार से जब ये 1984 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे तो पश्चिम बंगाल के एक संसदीय चुनाव क्षेत्र था उसमें महाकाव्य मार्ग की चुनाव की संज्ञा दी गई थी, तो वो आपको बताना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, तो ये जो जादवपुर है इसको महाकाव्य की जो संज्ञा दी गई थी, ठीक है, टाइटल इसको दिया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान वर्तमान समय से किस भारतीय राज्य में सदियों पुरानी दास प्रथा को समाप्त करने का प्रगतिशील कदम सर्वप्रथम उठाया गया, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है, तो इसका जो केरल है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ब्रिटिश शासन काल में राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी में कौन सी बार डाकियों को की महत्ता को प्रकट करती है। तो उस टाइम जो डाकिये थे, ठीक है, जो पोस्ट मास्टर थे उनकी जो सैलरी थी वो सबसे जो टीचर होते उनसे भी ज़्यादा था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, जो सी है बिल्कुल सही है। भारत में विभिन्न हिस्सों से प्रचलित पटुआ, बिरोली और कालीघाट किसके प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 69, तो लोक कला, ये राइट आंसर इसका सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस भारत रत्न विभूति की कला प्रस्तुति सन 1947 से लेकर उनके पार्थिव सेवन के अवसान तक प्रत्येक स्वाधीनता दिवस समारोह की उल्लेखनीय घटना बनी रही, यह आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 70 है और इसका जो राइट आंसर है वो है उस्ताद बिस्मिल्ला खान, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान भारत कोकिला के अभिधान से किस संबोधित किया जाता था, ठीक है। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान भारत कोकिला के अभिधान से किसे संबोधित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 71 है, तो इसका जो सरोजिनी नायडू है ये बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नेवार बोधों के अनुसार दीपावली संदर्भ में एक मांगलिक दिवस है क्योंकि इस दिन क्या हुआ था बौद्ध की धर्म की जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। नेवार बोधों के अनुसार दिवाली सद्धर्म के लिए एक मांगलिक दिवस है, ठीक है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था, सम्राट अशोक जो था इन्होंने ये अशोक धर्म जो बौद्ध धर्म है इसको ग्रहण किया था, ठीक है, और महेंद्र अपने पुत्र और एक उनके पुत्र दी थी कि उसको श्रीलंका भेजा था। क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है, इसका आपको आंसर देना है, अपनी कठोर तपस्या द्वारा गंगा नदी को पृथ्वी पर उतरने के लिए किसने मनाया था, ये आपको आता है तो हम इसका आपको आंसर नहीं बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिख पंथ के कौन सा दिन बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिख धर्म का कौन सा दिन बंदी धर्म या बंदी छोड़ दिवस के रूप में कैदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, इसको आप भी ऐसे समझ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो दिवाली, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। संस्कृत साहित्य को कौन सी कृति में भारत की भौगोलिक विशेषताओं की मोनहारी प्रस्तुत है, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है, तो इसका आपको बताना था, तो जो राइट आंसर है मेघदूत, बिल्कुल सही है इसका। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो महाभारत में राधे का विधान किसे, ये आपको पता होना चाहिए कि राधे महाभारत में किसे कहा जाता था, तो इसका कारण बिल्कुल सही है, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं आपको। अच्छा, महर्षि व्यास की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए निम्न किसके द्वारा ये महाकाव्य महाभारत के लेखन का गुरुंत कार्य किसके द्वारा संपन्न किया गया था, तो ये राइट आंसर भगवान गणेश इसका सही है, क्योंकि जो भगवान गणेश थे इनके कहते कि जब महाभारत लिखा गया तो उनका एक दांत टूट गया था, ठीक है, ऐसी कहावतें ऐसा सुना है, सही है गलत है पढ़ा है कहीं, तो वो इसमें बताया हुआ, ठीक है। तो महर्षि जो व्यास थे इनकी प्रार्थना की थी कि आप ये महाभारत को लिखिए, और उसके बाद इनका एक दांत जो था वो टूट गया था, ठीक है। अच्छा, लुम्बिनी बौद्धों के लिए
एक पवित्र स्थान है क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो 78 है इसका आपको बताना था, तो ये बुद्ध का जन्म स्थान है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही होगा, जो पूछा है आपसे वही हम आपको बता रहे जो उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, ठीक है। धर्मशाला के चरान खड्डा क्षेत्र में भिखारियों को कचरा बोने वालों को दयनीय स्थिति सुधारने के लिए कौन प्रयत्नशील है, ये आपको बताना था। क्वेश्चन को आप फिर एक बार समझिएगा, ठीक है। धर्मशाला के चरान खड्डा क्षेत्र के भिखारियों व कचरा बीनने वालों को की दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए कौन प्रयत्नशील है, तो ये तिब्बती भिक्षु जामयांग, ठीक है, जामयांग, ये बिल्कुल सही होगा। प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय को सन 2019 का आदेश एक महत्वपूर्ण आदेश माना जाता है, क्योंकि इस आदेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कुछ कदम उठाए थे या कुछ गाइडलाइन जारी की थी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 80 का, वो है बी, बिल्कुल सही, ठीक है। पुलिस को नागरिकों के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए 7 सुझावों की श्रृंखला प्रदान की थी, तो वो क्या है वो आप पढ़ी होगी या पढ़ लीजिएगा आप सर्च करके गूगल पर। अगला क्वेश्चन था, मौलाना हसन मोहानी ने संविधान सभा द्वारा पारित संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए इनकार कर दिया क्योंकि उनके अनुसार क्या था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना था कि मौलाना हजरत मोहानी एक, ठीक है, संविधान सभा के मेंबर आप इनको मान सकते हैं, उन्होंने इस पर हस्ताक्षर करने के लिए मना कर दिया क्योंकि उनको लगता था कि ये संविधान जन विरोधी है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक गणतंत्र के रूप में भारत के अग्रामी प्रयाण, ठीक है, के प्रारंभ में ही सच्ची उदारवादी लोकतांत्रिक चेतना को प्राण देते हुए प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार शंकर से ये आग्रह किसने किया था कि शंकर मुझे मत बख्शना। क्वेश्चन नंबर 82 है, इसका आपको बताना है जवाब, ठीक है। तो इसका जो नेहरू है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही है, ठीक है। इन्होंने शंकर से मुझे मत बख्शना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कृष्ण के बाल्यकाल की घटनाओं का चित्रण करने वाले अनोखी चित्रगट कला वृंदावन वस्त्र का उद्गम स्थल क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 इसका आपको जवाब देना था, और जो इसका राइट आंसर है वो है 83 का असम, जो है बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर अधिलिखित में मौलाना फजल हक कैरावानी के वंश से कौन है जिन्हें ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध उठ खड़े होने के अपराध में आजीवन निर्वासन की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया था, तो ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 84 तो जावेद अख्तर, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया था 85, प्रथम स्वतंत्र युद्ध के दौरान देशवासियों को इन शब्दों में किसने प्रेरित किया था, हमारी राय है कि विदेशियों को का शासन भारत पर ना भायो चाहिए और ना ही फौज की तैयारी कर रहे, सो अंग्रेजन से लड़बो बहुत जरूरी है, ठीक है। ये जो लाइन दी हुई है इनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर को हम जूम नहीं कर सकते इसको, तो इसका जो रानी लक्ष्मी राय की लाइन थी, ठीक है, इनको आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि, जो पदवी थी, उनको टाइटल दिया गया था, ठीक है, सम्मानित किया गया था, वो त्याग दी थी, ठीक है। तो इसका जो जलियांवाला बाग है ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। मरणोपरांत भारत में सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए कभी ना कभी जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिए आपको क्वेश्चन आया होगा, तो लाल बहादुर शास्त्री, ये बिल्कुल सही, सॉरी सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। 87 का क्वेश्चन नंबर जो डी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, लाल बहादुर शास्त्री, इसका सही आएगा, ठीक है। हिमालय दर्रा बोमडिला किस राज्य से अवस्थित है, ठीक है, हिमालय दर्रा बोमडिला किस राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 88 आपको बताना था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश, ये बोमडिला जो है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कंचनजंगा
जो कंचनजंगा जैव क्षेत्र किस राज्य में रेखांकित किया गया है, तो ये आपको बताना था। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 89 का, वो है सिक्किम। अगला क्वेश्चन था, ऋषि यक्ष बलक्षक और गार्गी के मध्य हुआ संवाद किस उपनिषद में समाहित है। ठीक है, ये आपको बताना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 है और इसका आपको आंसर बताना था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, एक धर्म निरपेक्ष राज्य होने के बावजूद स्वयं भारतीय संविधान के कुछ राज्यों को संचित निधि में से देवाशवम न्याय के लिए रियासती विलीनीकरण समझौते के फलस्वरूप अनुदान की व्यवस्था की गई है, ये रियासत कौन सी है। ठीक है, ये आपको बताना था। क्वेश्चन को एक बार आप खुद पढ़ लिया करो, क्योंकि जो भी आपको लगता है वो आप समझ लें। ठीक है, नहीं तो फिर कई बार होता है कि जुबान से गलत निकल जाता कुछ भी, क्वेश्चन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 है और इसका आपको आंसर बताना था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, टर्बन कोर कोचिन, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि किस संविधान संशोधन में अनुच्छेद जो आर्टिकल 45 है, इसको चौथे भाग जो राज्य के नीति निर्देश तत्व से निकालकर अनुच्छेद 21 के तीसरे भाग मूल अधिकार में है, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स है, इसमें स्थानांतरित कर दिया था, ये आपको बताना था। 92 का जो राइट आंसर था वो आपको बताना था। तो इनमें से जो आर्टिकल ये अनुच्छेद 45 का चौथा भाग जो इससे निकाल कर राज्य नीति राज्य के जो निर्देशक तत्व बैठे है इनको निकाल कर इसमें 21 में किया गया था। तो ये 81 का जो 86 बात संशोधन जो है अमेंडमेंट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार के मूल अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया था। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। ठीक है, जो भी दिए गए, इंद्र कुमार गुजराल, एसटी देव गौड़ा, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, तो सब कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं, परंतु जो टेंशन लेने की बात नहीं आपको। ठीक है, इसका मोरारजी देसाई सही है। ठीक है, अब जो कानून पहले होता था, ठीक है, आपके जो पापा की प्रॉपर्टी है वो आपके नाम पर उनके बाद हो ही जाती थी। ठीक है, परंतु अब ऐसा नहीं है। अगर अब जो इसका पहले संवैधानिक अधिकार था वो अब कानूनी अधिकार है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन और पुनर्वलोकन किसके द्वारा किया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो 20 से 25 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, तो आज इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं ताकि आपको बार बार फिर एक वीडियो ना देखने पड़े। ठीक है, तो लास्ट तक देखते रहिएगा और वीडियो को आप लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, पूरा क्वेश्चन पेपर हम हल करके आपके लिए लेकर आए। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन और पुनर्वलोकन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसमें आपको मैं एक बात और बता देता हूँ, इसमें 31 मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि 31 मुख्यमंत्री कैसे हो सकते हैं, इंडिया में स्टेट 29 है, यूनियन टेरेटरी जो 7 है, तो फिर 31 मुख्यमंत्री कैसे। तो ये जो 29 मुख्यमंत्री, ठीक है, भारत के 31 मुख्यमंत्री, आपको पता होगा 29 स्टेट के मुख्यमंत्री और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, तो टोटल है 31। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये सब मिलकर, ठीक है, ये इसका पंचवर्ष योजना का अनुमोदन और पुनर्वलोकन इनके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय विकास। इसमें पीएम वगैरह और सभी स्टेट के जो सीएम है वो इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, तो ये आपको पता होगा। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनकी नियुक्ति किस प्रकार से कौन करता है। ठीक है, कैसे होती है, तो जो राष्ट्रपति को अनुमति से, ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति से भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है इनके द्वारा यह की जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 95, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, संविधान का अनुच्छेद 28 जो है निर्दिष्ट करता है, ये आपको बताना था। ठीक है,
तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, ठीक है। 96 का जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मोती का घटक क्या होता है। क्वेश्चन को आप समझिएगा, मोती का घटक क्या होता है, ठीक है। तो इसमें आपको आपका जो सवाल है, ठीक है, इसका आपको आंसर देना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना था, क्वेश्चन नंबर 97 का। तो इसमें जो डी है बिल्कुल सही होगा, केवल कैल्शियम, ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्याज को छीलने और कटने पर आंखों में प्रभूत मात्रा में आंसू आने का कारण क्या होता है, ये आपको बताना था, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर था क्या लगता है आपको, वो आप बता सकते हैं हमें। तो 98 क्वेश्चन है, ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, प्याज की कोशिकाओं में विद्यमान गंधक, ठीक है, इसके कारण आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक है, या पानी निकल आता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आयोडीन के नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका है। 99 का आपको बताना था, इसका जो ऑप्शन नंबर ए था, राइट ग्रंथि में कार्य का नियमन करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस चीज़ की कमी के रोतंदी से फैलती है, ठीक है, या फलित होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। विटामिन ए जो होता है इससे, ये इसकी वैसे ये सब कुछ होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पौर्वात्य दर्शन के आचार्य पद को स्वीकार करते हुए सर्वप्रथम किस भारतीय विभूति को सम्मानित किया गया था, क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है, 101, तो ये आपको बताना था, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जो है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 18 फरवरी 1911 के दिन भारत में पहली वाणिज्यिक नागरिक उड़ान किन स्थानों पर भरी गई थी, ठीक है, या संपन्न हुई। अब देखिएगा क्वेश्चन को, आप समझिएगा, नागरिक उड़ान किन स्थानों पर 1911 में ये भरी गई थी और कहाँ से होगी थी ये, तो ये मुंबई पुणे, बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। मोंटेंगू चेफ स्पोर्ट सुधारों की अप्रियंत बेशक ये टिप्पणी किसने की थी, तो आपको बताना था, प्रभात हुए पर सूर्य कहाँ है, ठीक है, बोले सुबह होगी पर सूरज तो निकला नहीं, ठीक है, मैं अपनी ओर से बता रहा हूँ, ये अंग्रेजों के बर्ड थे उस टाइम, ठीक है, या एक भारतीय थे, इनके बर्ड थे, तो ये जो सुधार हुए थे इसमें, ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से एक डायलॉग है ना कि अगर कोई आप अच्छा काम करते हैं पूरी ज़िंदगी, मतलब कुछ गलत करने के बाद अच्छा काम करते, तो बोलते हैं ना कि आज सूरज कहाँ से निकला, उसी प्रकार से ये एक भारत के थे, ठीक है, वो डायलॉग मारते, तो आप समझ गए होंगे, लोकमान्य तिलक जो है ये इनके द्वारा दिए गए था डायलॉग, ठीक है, कि प्रभात हुए पर सूर्य कहाँ है। अब जो अगला क्वेश्चन था, मेरी महत्वाकांक्षा मुस्लिम गोखले बनने की। अब गोखले का नाम आया तो गोखले कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये गोखले, ये वाला गोखले, ठीक है, गोखले जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है, और गोखले बनने की है, मैं अपनी मानती राजनीतिक अभिलाषा को उपयुक्त शब्दों में किसने की थी, ठीक है, ये किसने की थी, कि मेरी गोखले बनने की इच्छा है, और किसने कहा था ये, तो जिन्ना कहाँ है, मोहम्मद अली जिन्ना, ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अहोभाव से आधुनिक भारत में स्वामी विवेकानंद के स्थान को मानव जाति को भारत की महानतम देन के रूप में किसने रेखांकित किया है, क्वेश्चन नंबर 105, और इसका आपको आंसर बताना था, ठीक है। 105 का तो इसका जो राइट आंसर है ये भागनी निवेदिता, इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। एडवर्ड सप्तम के राज्य रोहन का उत्सव मनाने के लिए 1903 में आयोजित दिल्ली दरबार में उपस्थित होने वाले वायसराय लॉर्ड कर्जन के आदेश की अवहेलना करने का साहस किस देसी रियासत के शासक ने किया था, ये आपको बताना था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मेवाड़ का राणा संगा, ठीक है, जिनके एक गलती के कारण मुगल जो थे मुसलमान, ठीक है, या मुगल समझ सकते हैं, ठीक है, जो बाबर वगैरह था वो सब भारत आए थे, ठीक है, तो उस प्रकार से इन्होंने फिर लॉर्ड कर्जन का जो इन्होंने आदेश दिया था कोई, और इसको मानने से इन्होंने मेवाड़ वालों ने मना कर दिया, ठीक है। और जो बाबर आया था भारत, ठीक है, कहते कि ये जो राणा संघ था या राणा संग्राम सिंह, उन्होंने इनवाइट किया था बाबर को कि आप आओ हिंदुस्तान को लूटो, जो भी करने करो, फिर उसके बाद जहाँ पर
वो हेमू वगैरह जहाँ पर उन्होंने शासन वगैरह किया हुआ था उनको भगाने के, अफगानों को भगाने के चक्कर में थे, ठीक है। पर संग्राम सिंह को नहीं था पता कि ये खुद राजा बन जाएंगे या शासक जो भी सुल्तान बन जाएंगे। बाद में युद्ध हुआ परंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो वही गलती फिर अकबर ने की थी, अंग्रेज़ों को कंपनी चलाने की परमिशन दे दी। उसका क्या हुआ नतीजा वो आपकी स्क्रीन पर, सॉरी आपके सामने आज, ठीक है। 107 क्वेश्चन नंबर है, सन 1921 में महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम की स्थापना के लिए 1.5 लाख रुपए की धनराशि को व्यवस्था करने का श्रेय किसे है? तो डॉक्टर प्राणजीवन दास मेहता इसका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। प्राणजीवन दास, इन्होंने ये साबरमती आश्रम के लिए 1.5 लाख रुपए का जुगाड़ किया था, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन था, महात्मा गांधी की कृति हिंद स्वराज की रचना किस लेखन विधि से हुई है? डायरी लेखन, पत्र लेखन, संपादन या पाठ के बीच कार्यतालाप, ठीक है। तो ये आपको बताना था, तो इसका जो राइट आंसर है वो संपादक पाठ के बीच वार्तालाप, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। मूलतः हिंद स्वराज क्या, ये आपको बताना था, ठीक है, और इसका जो राइट आंसर था वो आपको बताना था। तो मूलतः हिंद स्वराज क्या है ये आपको बताना था, क्वेश्चन नंबर 109, और इसका जो राइट आंसर है वो सभ्यता का विमर्श, ठीक है। अगले क्वेश्चन, महात्मा गांधी के अनुसार आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि है? तो ये राइट आंसर है इसका 110 क्वेश्चन नंबर है, और इसका जो सही आंसर है वो है व्यापक विनाश के हथियारों का आविष्कार, कारण के इसको अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि बताया था, ठीक है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व जनमान इसको आंदोलित करने वाली भावनाओं को प्रभावित या अभिव्यक्त करने की किसने किया था, ठीक है, इनको एक कविता के रूप में किसने किया था, ठीक है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने बुकटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमकोठी सन स्थापन में बे तलवार पुरानी थी। बाजा ये आपको देख लीजिएगा, लाइन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा है, ठीक है, इसे मैंने आपको पूरा बता दिया। तो इसका जो राइट आंसर था वो आपको बताना था, क्वेश्चन नंबर 111, ठीक है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान, ये बिल्कुल इसका, इनके द्वारा ये लिखे गए थे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 112 है, सन 1924 में प्रकाशित हिंद स्वराज की प्रथम अमेरिकी संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, सर्मन ऑन द सी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, आर सी दत्त की महत्वपूर्ण कृति इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अध्ययन के उपरांत महात्मा गांधी का क्या रिएक्शन था, ठीक है, ये आपको बताना था। जब इन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया महात्मा गांधी ने पढ़ी तो महात्मा गांधी का रिएक्शन क्या था वो आपको बताना था, क्वेश्चन नंबर 113, ठीक है। उनके नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए, ठीक है, वो रोने वाले हो गए, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। किस वस्तु का परित्याग करने हेतु कौन सी मानवदशा महात्मा गांधी के अनुसार अनुकूल थी? 140, ये क्वेश्चन नंबर 114 का, ठीक है, 114 ये कि किस वस्तु का परित्याग करने के लिए कौन सी मानवदशा सही है बिल्कुल, तो ये आपको बताना था। तो इसका जो है वंचित वस्तु को बेहद विकल्प मिलने पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी के प्रति अपने जो तीव्र नापसंदी को जाहिर करते हुए मिस्टर चर्चिल, जो चर्चिल थे, उन्हें भारत का नागर बगैर की संज्ञा दी थी, वो कब दी थी? तो ये जो दांडी मार्च निकाला गया था, दांडी यात्रा 30 मार्च 1930 में, ठीक है तो उस टाइम ये इन्होंने ऐसा किया था, ठीक है। किस पुस्तक के विषय में महात्मा गांधी ने यह अभिव्यक्त किया कि इसका लेखन रक्त और आंसुओं से हुआ? क्वेश्चन नंबर 166, और इसका आपको आंसर बताना था, एंड टू दिस लास्ट, ठीक है, ये आपको जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 है, भारतीय संविधान की उद्देश्य में जो विख्यात राजनीतिक चिंतन इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत पर अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ का शीर्षक इस सब में अद्भुत करके किया, ठीक है, तो ये आपको बताना, क्वेश्चन नंबर 117, ठीक है।
ऑनेस्ट वर्कर, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इसका क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं खुद। अगला क्वेश्चन आपको बताना था, मनुष्य और मातृभूमि के कल्याण के लिए गांधी जैसे विरल व्यक्ति इस धरती पर ज्यादा कदाई अवतरित होती है। महात्मा गांधी का यशोगान इन शब्दों में किसने किया था, 118 का आपको बताना था। ये मैंने आपको बताया था 1.5 लाख का इन्होंने महात्मा गांधी के आश्रम के लिए दिया था और बहुत बड़े फैन थी ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना था, महात्मा गांधी ने 1936 में और 45 के मध्य अपने शिमला प्रवास के दौरान प्राय मैनोरबिल में ठहरते थे, ये भवन किसकी मालकियत था, ठीक है, या मिल्कियत था, ये आपको बताना। तो क्वेश्चन नंबर 119, तो ये बिल्कुल सही, जो इसका राइट आंसर है वो है राजकुमारी अमृत कौर का ये, ठीक है, क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, ब्रिटिश राज के दौरान शिमला पर एक निगाह दौड़ने के बाद उसका आक्रोश सिम शब्द में टूट पड़ा दी मैं, ठीक है, यदि किसी को ये कहा जाए कि बंदरों ने इसका निर्माण किया तो इतना ही कहा जा सकता है कि क्या कमाल के बंदर है, यदि भी दोबारा ऐसी कोशिश करे तो उन्हें गोली मार दी जानी चाहिए। तो देखिए किस प्रकार के बर्ड थे, ठीक है। 120 का जो राइट आंसर है वो है सर एडमिन लुइंट्स, ठीक है, ये लुटियंस जो थे इसके द्वारा, इनके द्वारा ये बोला गया था, ठीक है। तो ये जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर था, ठीक है, HPPSC का पूरा हमने आपको बता दिया, ठीक है, 120 क्वेश्चन जो थे पूरा पेपर हमने आपको बता दिया, जो भी आपको लगे, ठीक है, मेरे कहने से कुछ एक दो क्वेश्चन में अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आई होगी तो आप जो मैंने मार्क किया है, ठीक है, वही उसका राइट आंसर होगा, ठीक है, जो मैंने निशान लगाया, जो मार्क किया मैंने, वही उसका सही आंसर होगा। अगर आपको लगता है कुछ ऐसा वैसा कि इसका आंसर गलती है, गूगल पर आप सर्च करिएगा, आपको आपका जवाब मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत टाइम लगाया, ठीक है, ये आपको बताने के लिए कि कहीं कुछ गलत ना हो, इसलिए बिल्कुल सही आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ हम तक इस यूट्यूब चैनल पर, अगला पार्ट हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। आज के लिए इतने, नमस्कार दीजिएगा, इजाज़त, धन्यवाद, गुड नाइट, आपका समय शुभ रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि एक घंटा आपके लिए आज ये हो गया, ठीक है। आज के लिए इतने, नमस्कार।